राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ बैकुंठ चतुर्थी की कथा और बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने ताकि आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, जो मनुष्य भी बैकुंठ चतुर्दशी की इस कथा को सुनेंगे उन पर श्री हरि और हर की कृपा से उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी और साथ ही उनके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं, इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी की इस कथा को पूरी सुने। कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि हर अवश्य लिखें। बंधुओं, बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत उपवास किया जाता है और नदी सरोवर या तालाब के किनारे 14 दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मास विष्णु जी को बेहद प्रिय है। परंपरा के अनुसार कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक नदी किनारे जलाए जाते हैं। बंधुओं, आज के दिन दुनिया भर में सभी मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में किए जाते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु जी के शयन काल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंप देते हैं। इसीलिए यह दिन उत्सव के रूप में दीप जलाकर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और श्री हरि का मिलन होता है। इसलिए यह दिन व्रत उपवास पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद पौराणिक कथा पढ़ने व सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ उन्हें बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। बंधुओं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ था, जो मिलन हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरिहर रूप धरा था। बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और शिवजी का मिलन हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, बैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में भगवान शिवजी भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं। चतुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु जी शयन करते हैं तो इस दौरान सृष्टि के पालनकर्ता भगवान शिव ही होते हैं। देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सृष्टि के पालनकर्ता भगवान शिव जी ही हैं। जब भगवान विष्णु निद्रा से जग जाते हैं तो सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी उन्हें सौंप देते हैं। उज्जैन में इस अवसर पर भोलेनाथ की सुंदर यात्रा गोपाल मंदिर पहुंचती है।
पालकी से भगवान भोलेनाथ उतरकर श्री हरि को तुलसी भेंट करते हैं और श्री हरि शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं। इस सुंदर प्रसंग को हरि हर मिलन के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप अवतार लिया था। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पितरों के निमित्त सुपिंडी स्नान दान किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वह सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो हरि हर भगवान की जय हो। एक बार भगवान विष्णु देवादि देव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने से एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरी काक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादि देव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भगत नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बंधुओं, अब मैं आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति की एक और कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यह कथा पापी धनेश्वर ब्राह्मण की है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भगत जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। इसलिए धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हरिहर भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।